प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। अगर मन की मुराद ना होती हो पूरी, अगर मन की मुराद ना होती हो पूरी, उसमें भी कोई राज होगा जरूरी, हमारे लिए होगी सुखदाई कम। आओ संत महात्मा उदास आशा करता है कि आप स्वस्थ होंगे, हरि चर्चा का और गुणगान कर रहे होंगे, सेवा सत्संग स्मरण लगातार आपके जीवन में चल रहा होगा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इस ओर इशारा देना चाहते हैं कि जब आपने परमात्मा को नहीं अपनाया, बल्कि इस भीड़ भाड़ वाले एरिए से परमात्मा ने आपको चुन लिया। आओ संत महात्माओं, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि सेवा सत्संग सिमरन मैं करने के लिए जाता हूँ तो होता है, ये मैं कर रहा हूँ, आओ संत महात्माओं, लेकिन सतगुरु इस ओर इशारा दे रहे हैं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, वरना तो लाखों करोड़ों की भीड़ है। तो आओ संत महात्माओं, इस परमपिता परमात्मा ने आपको चुना है, क्योंकि आपको चुना कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया। आओ संत महात्माओं, अब ऐसे बोल हम कैसे कह सकते हैं कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, क्योंकि क्या इससे पहले हम हीरा नहीं थे? तो वास्तव में आओ संत महात्माओं, हीरे की कदर जौहरी जानता है। इससे पहले थे तो हम, लेकिन हमें अपने बारे में ही अज्ञानता थी। हम केवल अपने आप को एक शरीर समझ बैठे थे, जो कि इंसान यदि देखे तो आओ संत महात्माओं, पांच तत्वों का पुतला ये बना दिया भगवान ने, लेकिन ये पांच तत्व के पुतले में भी छठा तत्व है। कहते हैं कि पांच तत्व जो पांच के पांच पांचों में मिल जाएंगे, यानी मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, वायु वायु में चली जाएगी, अग्नि अग्नि में चली जाएगी, जल जल में चला जाएगा, आकाश आकाश में चला जाएगा, तो फिर छठा तत्व कौन सा है जो कि तुझे चलाने वाला है, जो कि तुझे सत्संग के स्थल पर ले जाने वाला है, जो कि तुझे गीत गवाने वाला है, जो कि तुझे स्मरण कराने वाला है? आखिर छठे तत्व की जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो आओ संत महात्माओं, नौ माया पांच प्रण सतगुरु ने हमें दे दिए, और इसके उपरांत कहा कि ये जो छठा तत्व है, ये जो दसवां है, ये निरंकार पारब्रह्म परमात्मा, ये जिसके भी हिस्से में आ जाता है, तो आओ संत महात्मा उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, फिर झूमना शुरू कर देते हैं, फिर वही गाना शुरू कर देते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अक्सर रविदास जी कहा करते थे, एक बार गंगा स्नान के लिए पुजारी जा रहे थे, और पुजारी बड़े खुश थे कि आज गंगा स्नान करेंगे, लेकिन रविदास को सुना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास जी कह रहे हैं, यदि मन चंगा है, मन आनंदित है, तो वास्तव में इस कठौती में भी गंगा प्रकट हो सकती है। तो आओ संत महात्माओं, ऐसे विश्वास संत महात्माओं के हुए करते हैं, क्योंकि अब संत महात्माओं के तो अंग संग ये हरि का दर्शन सदगुरु की कृपा से हो गया। लोग अभी ना जाने भक्ति क्या है। आओ संत महात्माओं, प्रभु को पाना भक्ति है, छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। कह रहे सारे रगड़े झगड़ों को यदि वास्तव में ये सदगुरु रीझ गया, वास्तव में ये निरंकार परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो वास्तव में तेरे जीवन का कल्याण हो जाने वाला है। जो तेरे जीवन का मेन पर्पस था आने का यहाँ, कि आखिर मानुष का जन्म क्यों मिला, अन्य चौरासियों में भटका, फिर मनुष्य का ही जन्म क्यों मिला, तो आओ संत महात्माओं, यही वो लास्ट की सीढ़ी है, कि यदि ये फिसल गई तो फिर चौरासी वाली में इंसान चला जाता है, फिर उसे ना जाने किस वक्त ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हो, और किस वक्त वो बंधन से छुटकारा पाए, क्योंकि बंधनों से छुटकारा पा सकता है इस मनुष्य योनि में ही, यानी इस परमात्मा के गीत गा सकता, भक्ति कर सकता, प्रार्थना कर सकता है, और इसकी जानकारी कर सकता है। क्योंकि संत महात्माओं, जैसे ही आवरण मन से हट जाता है, तो वास्तव में फिर दिखाई देना लगता है, जैसे डैर में कुछ हरी हरी काई सी उगाती है, खरपतवार के पौधे बहुत डैर के अंदर ही होते हैं, लेकिन जब वो हट जाते हैं तो पानी साफ बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देता है। ये मन में जो विकार आ जाते हैं,
ये बुराइयां ही तो हमें परमात्मा से दूर ले जाती हैं। परमात्मा तो हमारे बहुत पास है मानव, परमात्मा तेरे बहुत पास है पर तुझको इसका होश नहीं। परमात्मा तो हमारे अंग संग करीब है कि निकट हो तो सूझत नहीं। दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कह रहे पास बहुत है लेकिन मोतिया बिंद हो गया है, एहसास नहीं है। आज सतगुरु की कृपा से इस रमे राम की प्राप्ति हुई है, तो आओ संत महात्माओं सेवा सत्संग जीवन का आधार बन जाए। बस सतगुरु से यही मांगे कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। ए मेरे दाता तेरे चमन की हर कली, ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए।